गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, है ना। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द पाइथागोरस थ्योरम। तो आज का जो लेक्चर होगा वो ट्रायंगल का लेक्चर लास्ट होगा बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मे बी हम आपका एक ट्रायंगल का टेस्ट लें, सो बी प्रिपेयर, है ना। आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए कि आपका एक टेस्ट होने वाला है। टेस्ट उसी तरह से होगा जो पिछले बार हुआ था प्रोजेक्टर पे, याद है ना। मतलब एक स्लाइड आपको देंगे और उसमें गिवन टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर पहले फिनिश करते हैं। तो पहला लेक्चर, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेट बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू सी, एंड लेट पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू बी। अच्छा, परपेंडिकुलर सी से बी तक परपेंडिकुलर है, सी टू बी, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी हो गया हमें बच्चों, ए बी, हाँ, सी टू ए बी। अब ठीक है, प्रूव दैट सी पी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू वन बाई एंड वन बाई पी एस पर इज इक्वल टू वन बाई ए एस पर प्लस वन बाई पी एस पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये समझो कि आज जो भी क्वेश्चन है हम सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिए, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए, ट्रायंगल एबीसी सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ए बी, उसके बाद क्या है, बीसी को ए लेट करना है, सी ए को बी, सी ए को बी और ए बी को सी। ये आपका हो गया कितना बच्चों, सी, ठीक है। लेट पी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए सी, C से B पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए P, C से B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लिए P। तो प्रूफ करना है पहले CP is equal to AP, CP is equal to AB प्रूफ करना, उसके बाद वो प्रूफ करना। चलिए प्रूफ करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी है। पहला की तरफ बढ़े, टू प्रूफ CP is equal to AB, पहला की तरफ बढ़ते हैं, टू प्रूफ CP is equal to AB। तो क्या करेंगे इसमें हम, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लाइए कि CP को एक तरह से लिखना है और AB को एक तरह से लिखना है। तो AB किसका पार्ट हो रहा है बच्चों, तुम ध्यान देखो, दोनों दोनों साइड का पार्ट हो रहा है, दोनों साइड का पार्ट हो रहा है। तो इसका बहुत बहुत सिंपल तरीका बनाने का कि सर हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हम निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। 1/2 इनटू क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बेस और हाइट किसको किसको हम कंसीडर करते हैं, कि सर जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल बनाने वाला साइड ही बेस और हाइट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ये यहां पर ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये और ये दोनों आपका हाइट और बेस, सॉरी बेस और हाइट कैलकुलेट किया जाता है ना। कि जहां पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको हम लोग बेस लेते हैं, और जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसको हम लोग हाइट लेते हैं, है ना। पिछला कॉन्सेप्ट का अनुसार कि सर अगर ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो बेस, और जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसे क्या कहेंगे, हाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया बच्चों, हाइट। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, 1/2 इंटू ए इंटू बी हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 इंटू ए इंटू बी हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक तरह से और अगर हम देखें, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम एक तरह से हम और देखें, क्या सर ये भी लाइन तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है और ये हाइट है। यानी कि एक तरह से और देखा जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया एक तरह से और निकाल सकते हैं कि C इंटू P, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हर बार क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि सर अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाए तो दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस, इससे हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अगर बाय द वे कोई यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता है तो 1/2 इंटू दिस इंटू दिस, यहाँ से हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहेगा, ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा हमेशा। लेकिन हम लोग तीन अलग अलग तरीका से निकाल सकते हैं। क्यों तीन अलग अलग तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीन अलग अलग बेस हमारे पास हो सकता है। कितना हो सकता है बच्चों, तीन अलग अलग बेस हो सकता है, हम तीनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना सकते हैं, लेकिन हर हाल में ट्रायंगल का एरिया इक्वल आएगा, हर हाल में ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें दो ही तरीका से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट एंगल बना ही दिया, एक यहाँ पर राइट एंगल बना दिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एक
परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं, एक परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किए हैं बच्चों, यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट है ना। तो आपको अब एक बात ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में कि सर ट्रायंगल का एरिया हम किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बना सकते हैं, और हर बार ट्रायंगल का एरिया सेम ही आएगा, क्योंकि जो एरिया होगा वो तो बदलने नहीं जाएगा बच्चों, वो तो सेम ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना चाहें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि सर 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस पी इंटू सी। हम ध्यान यही रखना है कि जिसको हम बेस लेते हैं और परपेंडिकुलर लेते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहता है। क्या बनाते हुए रहता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहता है। देखो पी और ये सी इस लाइन में क्या सी बोल रहा है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2। क्या दोनों का LHS बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ट्रायंगल एबीसी LHS बराबर, तो RHS क्या होगा? बराबर। बहुत इजी था है ना। अब हमें पढ़ना सेकंड की तरफ, अब हमें बढ़ना किधर बच्चों? सेकंड की तरफ बढ़ना। सेकंड की तरफ हम लोग कैसे बढ़ेंगे? 1/PA² = 1/A² + 1/B² है ना। तो इसको करने के लिए हमें चाहिए C नहीं चाहिए, हमें A और B चाहिए बच्चों। हमें क्या चाहिए? A और B चाहिए। तो छोटा सा क्लू आपको तुम दिख रहा होगा, अगर आप समझ रहे हैं तो छोटा सा क्लू आपको दिख रहा होगा, आपको चाहिए A और B के टर्म में, लेकिन C नहीं चाहिए, C नहीं चाहिए, और C की जगह पे आप क्या चाहिए? P चाहिए। C की जगह पे आप क्या चाहिए बच्चों? P चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो इस जगह पे AB/PA = C लिख सकते हैं, एक सेकंड के लिए C लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं? C² = A² + B² और फिर C² का ये अगर वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या नहीं आ जाएगा? क्लू क्लू पकड़ो बच्चों, कहाँ से हम सोचे, मेरा थिंकिंग कहाँ से आया? तो हम यहाँ पे देखें कि हमें चाहिए 1/PA² = 1/A² + 1/B² ठीक है। हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो C² = A² + B² होगा ठीक है, लेकिन हमें ये तो चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अभी अभी हम एक डेरिवेशन किए हुए थे AB = CP, तो अब सी को पी को इधर भेज देते AB = PA = C आ जाएगा ना। तो हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और पी भी चाहिए, लेकिन सी नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे? हम सी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या क्लू पता चला? बस एक क्लू पता करना। चलो अब सी की जगह वैल्यू पुट कर दो, AB/PA² = A² + B² इसको तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं, नहीं करो सॉल्व, क्या हो जाएगा ये A² B² PA² ये मल्टीप्लाई में इसको इधर आगे डिवाइड में कर देते हैं, तो ये हो ही प्रूफ। इसको अलग अलग कर लो, A² से A² कैंसिल, B² से B² कैंसिल, अलग अलग कर लिए हैं। हो गया प्रूफ। ये था क्वेश्चन बच्चों के लिए, इजी था, काफी इजी क्वेश्चन था। हम हर बार दोनों में क्या पकड़े? क्लू पकड़े। यहाँ पे हमें AB भी चाहिए, PC भी चाहिए, तो AB कहाँ से मिलता है? तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते तभी मिलता। PC कहाँ से मिलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते तभी मिलता। दोनों का एरिया सेम है तो हमारा AB = PC आ गया। तो ये हमारा हो गया पहला प्रूफ। अब हमारे पास कंडीशन आया दूसरा प्रूफ करने के लिए, 1/PA² = 2/A² + 1/B² तो हम क्या दिमाग लगाएं? हमें A² चाहिए, B² चाहिए, लेकिन PA² चाहिए, C नहीं चाहिए। तो C के टर्म में हम दोनों निकाल दिए, C² = A² + B² और C का वैल्यू पुट कर दिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए था ये BP, तो इसको हम सिंपली सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया। ये आपको हो गया दूसरा प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर बच्चों आप सभी को है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपका काफी इजी है, इसको डायरेक्ट हम लिखवा देते हैं। लिखिएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इसको हम क्वेश्चन रेज करते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल एबीसी तो है ही इसमें भी है ना। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री डी एंड पॉइंट डी एंड ई, डी एंड ई ट्राइसेक्ट बी सी, डी एंड ई ट्राइसेक्ट बी सी, प्रूव दैट AE² = 3AC²
प्लस 5 AD स्क्वायर। हाँ, ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री है। डी एंड ई ट्राइसेक्ट बीसी। डी और ई दो ऐसे पॉइंट है जो बीसी क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ करना है 8AE स्क्वायर इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। आप एक सेकंड इसका टाइम लेकर के जरूर बनाने की कोशिश करें, है ना बच्चों, इसको बनाने का जरूर कोशिश करें। आप एक मिनट टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, चलिए ट्राई करते हैं, है ना। आपको प्रूफ करना है 8AE स्क्वायर इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। पहला काम ये करते हैं कि हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। पहला काम ये करते हैं, फिगर बनाते हैं। ए बी सी डी और ई ट्राइसेक्ट बी सी। ये हो गया डी, ये हो गया ई। ट्राइसेक्ट करने का मतलब तीन इक्वल पार्ट में बांटना बच्चों। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी कि हमारे पास BD is equal to DE is equal to EX है, हमारे पास BD is equal to DE is equal to EC है। हम इसको मान लेते हैं X। क्या मान लिया बच्चों, X मान लिया, है ना, क्योंकि सबका सब इक्वल ही है तो सबको नाम के अनुसार बुलाना समथिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, समथिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या डाल दिए, सबको नाम दे दिए एक्स एक्स एक्स, ताकि हम बहुत इजीली काम कर सकें, है ना, ताकि हम बहुत इजीली। देखो इससे क्या होगा बच्चों, जैसे बी डी और डी और ई सी को अलग अलग यूज करने में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स को एक्स ही अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे जहाँ पे हमको बी डी है वहाँ पे हमको डी ही चाहिए। एक सेकंड के लिए मैं सोचना पड़ेगा, लेकिन एक्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या कर ली, सपोज कर ली। अब इसको हम आसानी से बनाते हैं। या तो आप इसका LHS ले लीजिए बच्चों, या तो इसका RHS ले लीजिए, या तो आप इसका LHS ले लीजिए, या तो इसका आप क्या लीजिए RHS ले लीजिए, काफी इजीली बन जाएगा। क्या ले बच्चों, मैं LHS ले लेता, RHS ले लेते हैं। RHS से LHS को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर, यही है ना, 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। AC कहां है बच्चों, AC ये बड़ा वाला ट्रायंगल बात कर रहा है, तुम ध्यान से देखिएगा। हम सबको कन्वर्ट करेंगे, हमें लाना क्या, आप देखिए AC से AD पे हमको पहुंच, हमको लाना है AE। क्या लाना बच्चों, AE कैसे आएगा, तो AE के लिए हमें चाहिए AB और हमें चाहिए ये X, ये X, यानी कि हमें चाहिए 2X के टर्म में। क्या चाहिए बच्चों, 2X के टर्म में चाहिए हमें चाहिए। अगर हम AC और AD को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, हमें लास्टली कहां पर रुकना है, हमें लास्टली रुकना है AB के स्क्वायर पर रुकना है और 2X के स्क्वायर पर रुकना है। कहां रुकना है बच्चों, 2X स्क्वायर पर, तब ना AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर हमारा AE स्क्वायर को फॉर्म करेगा। ध्यान समझ में आ रहा है ना, कि हमें अगर AE स्क्वायर चाहिए, अगर AE स्क्वायर चाहिए तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन चाहिए हमें AB का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। किसका चाहिए बच्चों, बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कहां से आएगा, तो बी का स्क्वायर आएगा 2x को ही तो हम बी का स्क्वायर कह रहे हैं। किसको कह रहे बच्चों, 2x को ही तो हम क्या कह रहे हैं, बी का स्क्वायर, यानी कि हमको चाहिए ab का स्क्वायर एंड bx का स्क्वायर के फॉर्म में। और बाकी जो भी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को हम चेक करके आप कॉन्स्टेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 3AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे, AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। चलो पहला टर्म तो आ गया, इसको अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस क्या होगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर में क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC में क्या आएगा बच्चों, XXX, समझ रहे हैं, यहां पर लिखे 3x का स्क्वायर। क्या आप लोग को कोई दिक्कत हो गया, नहीं ना, हम BC की जगह पर लिखे x प्लस x प्लस x, 3x होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें AB स्क्वायर प्लस 2x के फॉर्म में चाहिए। चलिए AD को लिखते हैं। AD क्या है बच्चों, AD यहां है, तो AB का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो तो सिंपल ही है, AB का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए इसको ऐड कीजिए, ये 3AB स्क्वायर हो गया, और ये 3 2 9 और 9 3 27 x स्क्वायर हो गया, ये 5AB स्क्वायर हो गया, और ये 5x स्क्वायर हो गया, कोई खास दिक्कत नहीं है। अब हम इसे लिखेंगे 3AB स्क्वायर प्लस 5AD होगा 8AB स्क्वायर, और ये 32x स्क्वायर, 8 कॉमन ले लेते हैं, AB स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो हम सोच रहे हैं तो वो तो वहीं रहा ना, 2x का होल स्क्वायर। और ये क्या है हमारा, देखो AB स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर क्या है हमारा, AB स्क्वायर है। हम पहले से सोच लिए थे कि हमें लाना क्या है, हम पहले से सोच रहे थे बच्चों कि हमें लाना क्या है, तो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर कहां से आएगा, AB स्क्वायर प्लस BX का होल स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, बस
काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, है ना। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि देखो खास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट डिपेंड ऑन है, एक बार इसको स्टडी रीड आउट कर लीजिए। ट्रायंगल एबीसी, एंगल एज कॉल 90 डिग्री, ए सर्कल इंस्क्राइब इन इट। अच्छा, सर्कल इंस्क्राइब इन इट यानी कि इसके अंदर बना हुआ है। इंस्क्राइब करने का मतलब बच्चों कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है। इट इज द लेंथ ऑफ टू कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कंटेनिंग राइट एंगल है उसका जो साइड है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, है ना। गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो क्या बोला है, लेंथ ऑफ टू कंटेनिंग राइट एंगल 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो ट्राइंगल में राइट एंगल बनाने वाली साइड है, राइट एंगल को बनाने वाली साइड है वो 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, यानी हाइपोटेनस का भी जिक्र नहीं किया है। चलिए, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब करने का मतलब तीनों साइड को टच कर रहा है बच्चों। इंस्क्राइब करने का मतलब तीनों साइड को टच कर रहा है एक सर्किल। इस प्रकार एक सर्किल बन गया कि जो क्या कर रहा है, तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसका रेडियस पता करने के लिए बोला बच्चों। हमें क्या पता करने के लिए बोला, ए बी सी, इसका रेडियस पता करना है कि इसका रेडियस कितना होगा, है ना। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सिंपल चीज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये टेंजेंट का क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। टेंजेंट किसे कहते हैं, तो ध्यान देखिएगा, सुनिएगा। हालांकि टेंजेंट आपको पढ़ना ही है 10 क्लास में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका यूज आ गया, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि अगर कोई सर्किल को एक साइड टच करते हुए निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, सिर्फ क्या करे बच्चों, एक ही पॉइंट। यहाँ पे देखने में लग रहा है कि बहुत पॉइंट है, लेकिन एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ध्यान देना है। यहाँ पे कितने पॉइंट पर टच कर रहा है बच्चों, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो एक पॉइंट पर जब टच करता है ना, एक पॉइंट पर टच करता है ना, तब उसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। और टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक बार फिर से, अगर कोई सर्किल है वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और एक प्रॉपर्टी कि टेंजेंट को अगर रेडियस को मिलाते हैं तो रेडियस और टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आप जब हम सर्किल पढ़ाएंगे उसमें आपको हम प्रूफ करके बता देंगे सारा का सारा, है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है बच्चों, यानी एक पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि जो इसका हम रेडियस बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका रेडियस बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और रेडियस बनाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सबसे पहले ये बात क्लियर है ना, कि हमें अब ये पता चल गया कि सर ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बन रहा है, तो वो जो टच कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब हमें रेडियस पता करना है, रेडियस सबका सेम रहेगा, इसको आर आर लिख देते हैं। रेडियस क्या रहेगा बच्चों, सबका सेम रहेगा, उसको हम क्या लिख दें, आर आर से डिनोट कर दें, ठीक है। चौक चल रहा, अच्छा सर, हाँ ठीक है, तो आर आर से डिनोट कर दें इसमें। अब हमें क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना बच्चों, रेडियस को फाइंड आउट करना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी एक पहला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि हम ट्रायंगल के एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं, कि ट्रायंगल के एरिया निकालने का हमारा तीनों साइड से ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं यदि हमारा परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तब, यदि हमारा परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तब। तो अगर हमारे पास, अगर इसको एक ट्रायंगल बना ले, ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है, इसको ध्यान समझिएगा कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारा थर्ड ट्रायंगल है। तो हर ट्रायंगल में एक हमारे पास बेस है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक हमारे पास बेस है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक हमारे पास बेस है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर है। हर एक ट्रायंगल में हमारे बेस और परपेंडिकुलर मिल गया, तो हम ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो उससे पहले काम कर लेते हैं, हमारे पास 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, सबसे पहले एसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एसी निकालते हैं, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू, अगर 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर के लिए क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, BC का कितना, 8 का स्क्वायर,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 36 प्लस 10 सेंटीमीटर ये आएगा ना, एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट समझिएगा, इस चीज को हम नाम दे देते हैं ओ, सेंटर क्या नाम देते हैं ओ, ठीक है। अब डायरेक्ट समझिएगा कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना चाहें तो वो होगा, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 होगा कि नहीं होगा। अगर हम ध्यान देखिए, अगर हम एबीसी का एरिया निकालना चाहें, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहें, फिगर एक बार आपको और समझना है तो एक बार और अच्छे समझ लीजिए, थोड़ा हम बड़ा बना देंगे फिगर, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो फिगर पे ही तो क्वेश्चन बच्चों, पूरा क्वेश्चन आपका फिगर पे है, ठीक है, ए बी सी है ना, एक यहां आपका हो गया, एक इसको मान लेते हैं, एक यहां 90 डिग्री, एक यहां 90 डिग्री, एक यहां 90 डिग्री, यहां से हम ट्रायंगल बना लिए थे। तो फिर से ध्यान देखिए, ये भी आपका पार्ट वन था, पार्ट टू था, पार्ट थ्री था, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ओ बी सी, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस, इसी में कॉमन हो गया सबका ओ बी सी, उसके बाद हो गया ओ बी ए, ओ बी ए प्लस ओ सी ए, ओ सी ए क्या होगा ये कि नहीं होगा, तीनों ट्रायंगल का अगर हम सम करेंगे तो बड़े वाले यानी एबीसी के सम के बराबर हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि सर एबीसी का जो एरिया होगा वो ए ट्रायंगल के सम, ए ट्रायंगल के सम और ये ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो एबीसी का एरिया होगा तो 90 डिग्री तो यहाँ पर बन रहा है एबीसी का, है ना, एबीसी का 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो 1/2 बेस हाइट एबीसी के लिए हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर ये 8, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 6 × 8, और इन लोग के लिए लिखेंगे ओबीसी, सबसे पहले ओबीसी, ओ बी सी रेडियस है, परपेंडिकुलर क्या है रेडियस और बेस क्या है 8, हम लिखेंगे 1/2 × r × 8 प्लस ओ बी ए, ये r है ये 6 है, तो 1/2 × r × 6 प्लस, उसके बाद क्या ये 10 था ना, तो 10 है 1/2 × r × 10, तो दिक्कत नहीं यहाँ पे अभी नहीं ना, आप सब में देखो तो 1/2 r कॉमन है, तो लिखो ये तो इसको अभी आज लिख देते 48, 1/2 × r कॉमन है तो 8 प्लस 6 प्लस 10 कितना हो गया, 8 6 14 14 10 24, हाँ 1/2 कैंसिल 24 ये दो बार में कट गया, यहाँ का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर, r का वैल्यू कितना आ गया आपको बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें यही लगाना था कि सर रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद हम जो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया है वो तीन अलग अलग पार्ट में एरिया निकाल लिए, बस यही काम किए, जो बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी ओबीए एंड ओसीए, फिर सबको हम सिंपली क्या किए बच्चों सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ गया। तो खास देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ ए कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड बी वन ऑफ द साइड कंटेनिंग, अच्छा बी एक साइड कंटेनिंग है ऑफ द राइट एंगल, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, अच्छा हाइपोटेनस पर जो एल्टीट्यूड होगा उसे इस प्रकार प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने में हमें क्या मिल रहा है ध्यान देखिएगा, फिगर बनाए हम क्या बोला बच्चों ए इसका एरिया है, ठीक है एरिया इसका क्या हो गया हमारे पास ए, और बी कोई भी एक साइड है तो इसको साइड मान लेते हैं, बी कोई भी एक साइड है तो प्रूव करना है यहां से यहां हाइपोटेनस का एल्टीट्यूड, इसको प्रूव करना है ये, इसको प्रूव करना है क्या बच्चों ये, तो हम जब नाम दे ही दिए हैं एबीसी इसको नाम दे दो डी, तो क्या नाम दे दो डी, तो हमें यानी कि प्रूव करना है बीडी इक्वल टू, क्या प्रूव करना है बीडी इक्वल टू बच्चों 2ab डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूव दैट
ये आपका हो गया डिपेंडेंट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, स्टेटमेंट क्लियर है, फिगर क्लियर है, फिगर हम स्टेटमेंट के अनुसार ही बनाए हैं, फिगर हम स्टेटमेंट के अनुसार ही बनाए हैं। फिगर क्या कह रहा था कि एबी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं पे भी राइट एंगल है तो बी पे ही हम राइट एंगल बना लिए। और बी आपका क्या है बच्चों, बी एक साइड को बना रहा है, राइट एंगल को बनाने में एक साइड बी योगदान दे रहा है। उसके बाद अगर हम हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस हाइपोटेनस का वैल्यू ये होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट हो गया था, फिगर हो गया था, है ना, गिवन दैट एरिया दिया हुआ ट्रायंगल, एरिया इसको इस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ए, हां अब ठीक है, तो प्रूव करना ही है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम अब जो जो अननोन क्वांटिटी हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास अननोन है, जो अभी हमको पता नहीं है। जैसे अगर बी निकालिए तो क्या हम ए भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बी, अगर ए भी निकाल सकते हैं तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी है सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। तो अननोन क्वांटिटी कौन कौन हो गया, सबसे पहले तो आपका दिया हुआ है, अगर हम प्रूफ में चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया कितना दिया हुआ है, ए 1/2, बेस की जगह पे बी है ही, बहुत अच्छी बात है, बी का बी ही रह गया, एच एच की जगह पे ए बी होगा हमारे पास, है ना, हाइट ए बी हो गया, एच की जगह पे हमारा क्या होगा ए बी, ये हाइट ए बी का काम करेगा। तो 1/2 × दिस × दिस, तो बी लिख दिए, ए बी लिख दिए, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 2a / b = 2ab। चलो एक चीज का वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, अब ए सी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लगातार, इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये तो बी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी सी स्क्वायर, वो चीज को हम लिखे। तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर कितना बच्चों, ए बी स्क्वायर है इसका स्क्वायर, है ना, तो 2a, और बी सी कितना बच्चों, बी सी है बी स्क्वायर, चलो बी स्क्वायर लिखते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, एक ही लाइन में ले आते हैं इसको, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4a² / b² 4a² / b² प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन, 4a² + b^4 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये क्योंकि b² कुछ नहीं है तो यहाँ पे बन है b² b^4 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, ac² √4a² + b^4 / b² इतना रहने देते हैं। अच्छा b निकाल लेते हैं, तो ac² हो सकता है 4a² + b^4 / b, सिर्फ इतना ही रहना था, 4a² + b^4 / b। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं बच्चों, तो ac² क्या हो गया, 4a² + b^4 / b आ गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखिए, b^4 + 4a² यानी एक टर्म आपका आ गया है ना, ये और ये आपका आ गया है, नीचे b है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होने वाला है, ये जो यहाँ पे होगा ये रिश्ता रेसिप्रोकल होगा। तब हम कहाँ से निकालेंगे इसका वैल्यू, तब इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका तो दो तरीके से निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि सर अगर ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था ए बी का वैल्यू 2a / b, है ना, 2a / b। तो अभी हम पढ़े थे ट्राइंगल के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 1/2 × दिस × दिस या फिर 1/2 × दिस × दिस। हम सिंपली निकाल लेते हैं ना, यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो आपस में बराबर होगा ही होगा। एक बार हम ट्राइंगल के लिए निकालेंगे इस तरह से, यानी 1/2 × बेस × हाइट, ये 1/2 × बेस × 2a / b, और एक बार हम एरिया निकालेंगे BD × AC, है ना, तो 1/2 × BD को हम BD रहने देते, क्योंकि BD तो हमें प्रूफ करना है, यही तो बीडी हमें प्रूफ करना है, इसलिए बीडी को बीडी एच डी रहने दिए। एसी का वैल्यू क्या है, एसी को हम ऐसे लिखते हैं 4a² + b^4 / b, कैंसिल आउट कौन कौन होगा बच्चों, तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, बस सिंपली आप इसको यहाँ भेजिए 2ab / 4a² + b^4 = bd, क्या इजी है या नहीं है,
क्या एडी है या नहीं है, हम कॉन्सेप्ट क्या लगाए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपको इस तरह से है कि ए दिया, एरिया दिया हुआ है, बी एक साइड दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना, आपको ये प्रूफ करना। तो हमें जब यहाँ पे एक साइड दिया हुआ था और एरिया दिया हुआ था तो हम सोचे कि सबका अलग अलग अपना साइड निकाल लेते हैं। तो सबका अलग अलग साइड निकालने के लिए ये बी दिया हुआ था तो हम सबसे पहले ए बी निकाले, तो ए बी कहाँ से निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वन बाय टू इनटू बेस इनटू हाइट, और यहाँ से हम क्या निकाल लिए, इसका एरिया, ये बी दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ए बी निकल गया और बी सी निकल गया तो हम ए सी निकाले, क्यों, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री है, है ना, ट्रायंगल एबीसी में बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ये अप्लाई किए तो ये आ गया। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से ऐसे करके ये निकाल लें, तो ये निकल गया हमारा ए सी, ये क्या निकल गया बच्चों, ए सी। अब हम जानते हैं कि अगर हम ट्राइंगल का एरिया इस तरह से निकालें या फिर हम ट्राइंगल का एरिया इस तरह से निकालें, दोनों बार हमारा ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो हम दोनों इस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकालें, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी कैंसिल आउट किया, वन बाई टू कैंसिल, बी से बी कैंसिल, टू है, ये तरह के प्रूफ हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है ना, हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन दे देंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हाँ बच्चों टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, है ना।